फिर से विवेक गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। और अब जो है पावर के पार्ट थ्री वाले मतलब थर्ड पार्ट पे चलता हूँ, ठीक है। अच्छा, अभी तक तो मैंने पहले पार्ट में ये बताया कि व्हाट इज़ पावर, फिर दूसरे पार्ट में बताया कि क्यों ये आया, क्यों किंग के सिस्टम को चेंज के गवर्नमेंट के सिस्टम में चले आए। अब दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे मैंने पिछली वाले वीडियो में एक बात रोक दी थी, अभी वो उस बात को मैं कंप्लीट करता हूँ। पहले बात ये कर देना कि वाई वी मेड कॉन्स्टिट्यूशन, हमने संविधान को क्यों बनाया, तो ये मेरा अपना सोचना है। देखो क्या किताबें बोलती हैं, हाँ किताबें भी सही बोलती हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उसको भी इंटेलेक्चुअल लोग लिखते हैं, लेकिन मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ ताकि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। देखो ध्यान से सुनो, सपोज दैट यू हैव ए सी, तुम्हारे पास ए सी है, एयर कंडीशन, और उसके बगल में क्या लगा है, स्टेबलाइज़र। स्टेबलाइज़र क्यों लगा है कि भाई पहले इलेक्ट्रिसिटी आएगी, स्टेबलाइज़र के पास जाएगी, उसको स्टेबल कर लेगा, और वो उतनी इलेक्ट्रिसिटी एसी में सप्लाई करेगा ताकि एसी फूके ना, बस दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नथिंग आवर स्टेबलाइज़र, कि पहले क्या होता है पावर आती है, क्योंकि बिना पावर के तो सिस्टम चलने वाला नहीं है, तो जब पावर आएगी तो उसको प्रिजर्व कर लेगा, प्रिजर्व करके वो धीरे 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 उतनी पावर सप्लाई करेगा जिससे सिस्टम ढंग से क्या करे चले। दैट्स व्हाई यू सेड इट, आप ये कह सकते हैं कि व्हाट, कि कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग इज स्टेबलाइजर ऑफ योर सिस्टम, कि संविधान कुछ है नहीं, ये जो है क्या बोलते हैं तुम्हारे सिस्टम का एक तरीके से क्या है, स्टेबलाइजर है। अब देखो, अब और भी बातें चलते हैं इसके पांचों कॉन्सेप्ट पे, और इसको मैंने ऐसा क्यों समझाया ये समझो। जैसे मान लो होते हैं कि व्हाट, अगर हमें पावर को डाइल्यूट करना हो, पावर को अगर हम डाइल्यूट नहीं करेंगे, अगर पावर सेंट्रलाइज रहेगा तो वो सिस्टम को करप्ट करेगा, ऐसा हो सकता है अगर हम उसको क्या कर दें, डाइल्यूट कर दें, क्योंकि हम जिसको जितना डाइल्यूट करेंगे उतना ही सिस्टम ढंग से चलेगा। समझ में आ गया। जैसे मान लो कि एक एग्जांपल लेते हैं कि इफ़ यू आर ड्रंकर, तुम दारू पीते हो, मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, गंदा एग्जांपल लेकिन मान लेते हैं, दारू पीते हो तो अगर नीट दारू पियोगे तो एक ही बार में उड़ जाओगे, लेकिन उसको जितना डाइल्यूट करके पियोगे उतना ही क्या करेगा, कम नशा करेगा। तो वही हाल है, इलेक्ट्रिसिटी जहाँ से बनती है वहाँ से डायरेक्ट आपके घर में नहीं आती है, पहले यूनिट पे, कंट्रोल यूनिट पे जाती है, हाइडल पे जाती है, तुम्हारे नज़दीकी ट्रांसफार्मर पे आती है, फिर तुम्हारे घर में आती है, उसके बाद भी तुम एमसीबी लगा देते हो कहीं पावर फ्लक्चुएट ना करे, खटाक से एमसीबी डाउन हो जाता है। तो यही चीज़ अप्लाई करो यहाँ पे भी ना बाबा, सिस्टम भी यही है, सिस्टम भी यही है कि सिस्टम बिना पावर के नहीं चलता है, तो पावर को डाइल्यूट करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ही कुछ सोचा किसने, मॉन्टेस्क्यू, इधर फोकस कर देना, प्रोफेसर मॉन्टेस्क्यू इज बिलोंग फ्रॉम फ्रांस, इन्होंने पावर के एक थ्योरी दी और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, उस थ्योरी को थोड़ा सा और रिवाइज करके उसमें और भी अच्छी चीज़ें बताएंगे समझाने के लिए। तो हमेशा याद रखो, प्रोफेसर मॉन्टेस्क्यू ने पावर की एक थ्योरी दी और उस थ्योरी का नाम है सेपरेशन ऑफ पावर। बहुत प्यार से मैं समझा रहा हूँ इसको, ध्यान से देखना बच्चों, सेपरेशन ऑफ पावर। और याद रखना, हिंदी वाला बात नहीं, बहुत लड़के मुझे YouTube पे ये बात बोलते हैं कि सर आप हिंदी में क्यों नहीं, हिंदी में टर्म लिखिए, तो देखो इतना तो इंग्लिश तुम्हें आनी चाहिए, नहीं आएगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। CHSL का भी रिजल्ट आया, आपने देखा सबकी मेरिट कितनी जा रही है, और उसमें सबसे ज़्यादा लड़कों ने GS में नंबर कम लाया, कोई 7 नंबर ला रहा है, कोई 10 नंबर ला रहा है, जो मेरे पास रिव्यू आए हैं, तो ये गड़बड़ है, क्योंकि GS में अगर आप 25 नंबर 30 नंबर नहीं लेके आएंगे तो सिलेक्शन आपका नहीं होगा, SSC में भी नहीं होगा, CDS में भी नहीं होगा, NDA में भी नहीं होगा, कहीं नहीं होगा, ठीक है। जैसे आज 22 ऑफ द अप्रैल है, आज वर्ल्ड अर्थ डे है, और आज शायद NDA का एग्ज़ाम भी है, ठीक है ना, तो कोई एग्ज़ाम नहीं निकलेगा आपका, टुडे इज़ वर्ल्ड अर्थ डे, है ना। अभी देखो कौन सा महीना चल रहा है, अप्रैल, और धूप का हाल देखो, धूप कैसा हाल है, धूप का हाल बहुत क्या है, तो वी हैव टू सेव आवर अर्थ ऑल्सो, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे करंट अफेयर की चीज़ों में, जल्दी ही करेंगे अगर मैं देखूंगा तो जल्दी। तो प्रोफेसर मॉन्टेस्क्यू जो कि फ्रांस से बिलोंग करते थे, उन्होंने जैसे मैंने बताया ना कि पावर को डाइल्यूट करना बहुत ज़रूरी, उसको जितना काट दोगे उतना सिस्टम ढंग से चलेगा, तो उन्होंने एक थ्योरी दी सेपरेशन ऑफ पावर की। किसकी दी, सेपरेशन ऑफ पावर, देखो इसको मैं पिन कर दे रहा हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय सेपरेशन ऑफ पावर। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट जो है उसकी जो भी विंग्स है उस विंग्स को आप तीन पार्ट में डिवाइड कर दो। कितने पार्ट में डिवाइड कर दो, तीन पार्ट में, सबसे पहला, दूसरा और तीसरा। अब इसी चीज़ को मैं अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिखा दूंगा। सबसे पहला नंबर पे उन्होंने लेजिस्लेटिव का नाम लिया। किसका नाम लिया, लेजिस्लेटिव, हिंदी में जिसको आप विधायिका कहते हो।
फिर दूसरे नंबर पर बात करेंगे एग्जीक्यूटिव। देखो यही एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको ये समझ में आता है कि व्हाट इज लेजिस्लेटिव, व्हाट इज एग्जीक्यूटिव एंड व्हाट इज जुडिशरी, संविधान समझ में आ जाएगा। अगर ये नहीं समझ में आएगा तो संविधान समझ में नहीं आएगा, समझ में आएगा कि नहीं। देखो तो सबसे पहले बात करेंगे इसकी लेजिस्लेटिव, दूसरे नंबर बात करेंगे एग्जीक्यूटिव और तीसरे नंबर बात करेंगे व्हाट लेजिस्लेटिव जुडिशरी। तो देखो व्हाट इज द रोल ऑफ लेजिस्लेटिव, दिस इज डन बाय मॉन्टेस्क्यू, ठीक है, दिस इज डन बाय मॉन्टेस्क्यू, ठीक है ना। इसको किसने किया, मॉन्टेस्क्यू ने। तो व्हाट इज द रोल ऑफ लेजिस्लेटिव इन ऑल ओवर वर्ल्ड, कुछ नहीं, एक सिंपल सा आंसर मारना है और वो है इनएक्टमेंट ऑफ लॉ, कानून को बनाना। अब जैसे हम अपने इंडिया की बात कर दें, अगर हम अपने इंडिया की बात करें, ध्यान से देखना इधर मेरी तरफ देखो, ये व्हाइट बोर्ड की तरफ, मेरी तरफ नहीं, कि अगर हम बात करें इंडिया में दो पार्ट है, एक यूनियन है एंड दूसरे नंबर पर स्टेट, मतलब एक राज्य हो गया एक संघ हो गया। अब संघ लेवल पे कानून बनाने का काम किसका है, पार्लियामेंट का है। पार्लियामेंट जो आपके दो हिस्सों में डिवाइड है, लोकसभा और दूसरे नंबर पर राज्यसभा, और यहाँ पर जो भी बंदा है दैट इज़ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब इधर आ जाओ तो इधर नंबर बात करेंगे तो स्टेट लेजिस्लेचर की बात करेंगे, जिसको आप हिंदी में बोलते हो राज्य विधानमंडल, है ना, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, इसको भी क्लियर कर लो, दैट इज़ राज्य विधानमंडल, मंडल बोलेंगे राज्य विधानमंडल। और राज्य विधानमंडल दो भागों में डिवाइड होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। यहाँ का जो बंदा होगा उसको हम बोलेंगे MLA और यहाँ के बंदे को बोलेंगे MLC, इसको बोलते विधानसभा, क्या बोलते हैं विधानसभा, और इसको बोलते हैं विधान परिषद, क्या बोलेंगे हम इसको, विधान परिषद, और ये दोनों को बोलेंगे राज्य विधानमंडल, ठीक है ना। बहुत लड़के केवल विधानसभा ही बोल देते हैं, ऐसा नहीं है, तो याद रखो। अब ये जो कानून बनाएगा ये पूरे इंडिया लेवल पे बनाएगा, ये दिमाग में होना चाहिए जब ये कानून बनाएगा, क्योंकि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बोलते, पार्लियामेंट ऑफ उत्तर प्रदेश नहीं बोलते, पार्लियामेंट ऑफ बिहार नहीं बोलते, पार्लियामेंट ऑफ दिल्ली नहीं बोलते, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बोलते। इसका मतलब ये पूरे देश के लिए कानून बनाएगा। और जब भी बात करेंगे किसकी, स्टेट लेजिस्लेचर की, तो जब भी स्टेट लेजिस्लेचर की बात करेंगे तो ये पर्टिकुलर किसी पार्ट के लिए कानून बनाएगा। जैसे मान लो उत्तर प्रदेश विधानसभा, मध्य प्रदेश विधानसभा, तो वो केवल जब कानून बनाएगी तो केवल मध्य प्रदेश के लिए बनाएगी, केवल उत्तर प्रदेश के लिए बनाएगी, समझ में आएगी। ये देखो, ये मतलब हो सकता है कि ये वीडियो जो लड़का मुझसे पढ़ चुका है वो इस वीडियो को ना देखे है और उसको बोरिंग फील हो कि अरे एक ही चीज़ पढ़ा रहे दोबारा, लेकिन यही बेसिक है बाबा, यही बेसिक है। जब भी मेरे पास कोई लड़का क्वेरी लेके आता है ना, तो 90% तो क्वेरी उसको इसी पे रहती है, उसको क्लियर ही नहीं होता है कि व्हाट इज़ इंडिया एंड व्हाट इज़ स्टेट, और उसी में वो खचर पचर करता रहता है, इसीलिए वो कन्फ्यूजन होता है उसको। इसलिए मैं इस वीडियो को दोबारा आपको फिर से बताता हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया वर्ड लगा है और ये बात करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर पर्टिकुलर पार्ट की। ये पावर की पहली थ्योरी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ऐसी अभी चार थ्योरीज और आने वाली हैं, ठीक है। अब देखो बात करेंगे दूसरे नंबर पे, जब लॉ बन जाएगा तो लॉ को एग्जीक्यूट किया जाएगा। जब भी लॉ को एग्जीक्यूट किया जाएगा, फोकस, जब भी लॉ को एग्जीक्यूट किया जाएगा तो ये भी दो लेवल पे किया जाएगा, सबसे पहले यूनियन और दूसरे लेवल पे बात करेंगे व्हाट स्टेट। सबसे पहले किसके लेवल पे बात करेंगे, यूनियन। अब यूनियन का मतलब ये पूरा इंडिया की बात करेगा, इंडिया पूरा इंडिया, ठीक है। और इधर बात करेंगे स्टेट, तो जब भी हम स्टेट की बात करेंगे तो ये पर्टिकुलर किसी टेरिटरी की बात करेगा, ठीक है। अब ध्यान से सीखो, जब भी यूनियन लेवल पे लॉ, जैसे लॉ बन गया तब लॉ एग्जीक्यूट होगा, जब लॉ एग्जीक्यूट होगा तो उसको एग्जीक्यूट कौन करेगी, एग्जीक्यूटिव बॉडी, ध्यान से सुनो, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पे होगा प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव में, जिसको आप राष्ट्रपति कहते हो, दूसरे नंबर पे वाइस प्रेसिडेंट, तीसरे नंबर पे प्राइम मिनिस्टर, चौथे नंबर पर उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ध्यान से सुनना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो लड़का हिंदी में है उसके लिए मंत्रिपरिषद, रिवाइज करके रिपीट करके फिर से देख लेगा वीडियो में, मंत्रिपरिषद बोलते हैं। और लास्ट नंबर पे होगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, क्या होगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, थोड़ा मेरा हैंड राइटिंग गड़बड़ है, कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए, हैंड राइटिंग तेल लेने गया, ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये हो गया यूनियन एग्जीक्यूटिव। अब ये पूरा इंडिया के बात करेगा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोलते, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बोलते, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलते, है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोलते। अब देखो, अब उधर जाएंगे तो इधर हो जाएगा गवर्नर, कौन हो जाएगा, गवर्नर, फिर होगा CM, फिर होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कौन होगा, काउंसिल ऑफ
मिनिस्टर्स, और लास्ट नंबर पे होगा एडवोकेट जर्नल ऑफ स्टेट, एडवोकेट जर्नल ऑफ स्टेट दैट इज स्टेट एग्जीक्यूटिव। तो गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश, गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश, चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश दैट इज योगी, ठीक है ना। तो याद रखो, क्लियर। अब इधर बात करेंगे जुडिशरी की, तो आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बोलते हैं और हाई कोर्ट ऑफ स्टेट बोलते हैं। हाई कोर्ट इलाहाबाद सबसे पुरानी, ठीक है, तो हाई कोर्ट इलाहाबाद बोलते हैं, मतलब वो यूपी में, इलाहाबाद यूपी में, पेरिस में तो है नहीं, ठीक है। तो याद रखो, ये हाई कोर्ट हो गया, ये हो गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एंड दैट इज सेपरेशन ऑफ पावर। अच्छा, सेपरेशन ऑफ पावर में क्यों किया गया ये तो समझ में आपको आ गया, क्योंकि पावर को डाइल्यूट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिस्टम को डाइल्यूट करोगे तो सिस्टम ढंग से चलेगा। अभी सेपरेशन ऑफ पावर पे नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस कि वाई सेपरेशन ऑफ पावर इज डन बाय प्रोफेसर मॉन्टेस्क्यू, जिसको बहुत सारी कंट्रीज ने इसको फॉलो किया, ठीक है ना। अच्छा, अपने इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर एब्सोल्युटली तो नहीं है, इसको भी समझाऊंगा अभी थोड़ी देर में, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। तो ये थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट अपना धीरे धीरे अपने वीडियो में और क्या ला रहा हूँ, इफिशियंसी स्टैंडर्ड कर रहा हूँ, धीरे धीरे करूँगा, क्योंकि अगर मैं अभी कर दूंगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। धीरे 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 स्टैंडर्ड्स को बढ़ाते जाएंगे। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा पावर का कॉन्सेप्ट, अभी हम सेपरेशन ऑफ पावर पे ही रहेंगे। एंड रिमेंबर, फोकस कर दो इधर कि दैट इज सेपरेशन, एग्जाम में ये वर्ड आता है, व्हाट डू यू मीन बाई सेपरेशन। तो जब भी हम सेपरेशन वर्ड यूज़ करते हैं, सेपरेशन का मतलब होता है ये तीन चीज़, ठीक है। कभी भी आप उल्टा पुल्टा आंसर ना मारना। और इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर, इसको मैंने दिखा दिया। अब सेपरेशन ऑफ पावर के जो एकदम डीप कॉन्सेप्ट में, उसमें घुसेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, एंड अगेन प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट, एंड ऑल्सो शेयर इट, मैक्सिमम शेयर इट। जो भी आपके फ्रेंड सर्किल में हैं, जो मुझसे लड़का पढ़ा हुआ है, जो मेरा वीडियो देख रहा है, मैं उसकी तो बात नहीं कर रहा हूँ, जो मेरा वीडियो नहीं देख रहा है मैं उसको भी दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। और धीरे 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 इस लेवल ऑफ स्टैंडर्ड जो है एजुकेशन का, मैं आप तक पहुँचाऊँगा। तो थैंक यू वेरी मच विवेक गुरुजी चैनल देखने के लिए, थैंक यू।